संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से देवराज को बिताई थी। देवराज के पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को मुखाग्नि दी। इससे पहले अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। इससे पहले आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास शव को परिवार को सौंपा गया था। उदयपुर शहर में आज भी नेटबंदी रहेगी, ऐसी जानकारी। स्कूल कॉलेजों में दूसरी तरफ छुट्टी की भी घोषणा है। समाज के नेताओं ने सभी से शांति की अपील की। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ कपिल, लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, अंतिम संस्कार तो छात्र का हो चुका है लेकिन माहौल तनावपूर्ण है अभी। देखिए, 4 दिन से उदयपुर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ रहा, लेकिन इस बीच शांति भी बहाल होती हुई नजर आई। और कल जब दोपहर बाद में अचानक से छात्र देवराज के निधन की जानकारी मिली तो एक बार फिर शहर में तनाव की स्थिति हुई। बाजार अपने आप बंद होने लगे, लेकिन आप देखिए क्योंकि जो मांग जो समाज के द्वारा की जा रही थी वो सारी मांगें जिला प्रशासन और सरकार द्वारा पूरी कर ली गई थी, मान ली गई थी। और अपराधियों के खिलाफ जो कड़े एक्शन प्रारंभिक तौर पर लेने थे वो ले लिए गए थे। ऐसे में कल भी शांति बनी रही, हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर कल कुछ असमंजस बना रहा और सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं कराने पर समाज के कुछ लोग अड़ गए। ऐसे में आज सुबह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई। सुबह तकरीबन 4:57 पे जो परिजन है वो MB चिकित्सालय की मोर्चरी से देवराज के शव को लेकर घर के लिए रवाना हुए। घर पर जो अंतिम यात्रा से पहले की जो परंपरा है उनका निर्वहन किया गया और उसके बाद देवराज की अंतिम यात्रा खेरादीवाड़ा इलाके के उनके निवास स्थान से रवाना हुई। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहा, हालांकि हजारों की तादाद में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और देवराज को अंतिम विदाई दी। खेरादीवाड़ा से जो अंतिम यात्रा शुरू हुई वो जो मुखर्जी खेरादीवाड़ा से निकलकर अमल का काटा और सूरजपोल बैंक तिराहा होते हुए दहली गेट और शास्त्री सर्कल पहुंची और वहां से अशोक नगर मोक्षधाम पहुंची, जहां पर देवराज के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस दुनिया से अंतिम विदाई दी। जी कपिल, माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे इसकी अपील जो है प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या इंतजाम वहां पर किए गए? बिल्कुल, देखिए ये उदयपुर में जो इतना तनाव बढ़ा और अचानक से शांतिपूर्ण माहौल हो गया, बाजार खुलने लगे, लोगों की आवाजाही पहले की तरह नजर आने लगी, उसका बड़ा कारण था कि प्रशासन लगातार अपील करता रहा और साथ में संवाद की कमी नहीं रखी। जो वस्तु स्थिति छात्र देवराज की थी उसके बारे में जिला प्रशासन लगातार आक्रोशित लोगों को जानकारी देता रहा और किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े इसलिए जो वास्तविक जानकारी थी वो जो आक्रोशित लोग जो भीड़ थी उन तक पहुंचाई गई और यही वजह रही कि शांति बनी रही और फिलहाल भी शांति बनी हुई है। देखिए माहौल बिगड़ता देख धारा 144 भी लगा दी गई थी, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई थी और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। आज रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद करने के आदेश अभी किए हुए हैं। अब आज दोपहर बाद में इसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या इंटरनेट बंदी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर आज इसे खत्म कर देना चाहिए। ये आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम के बाद में स्पष्ट हो सकेगा। जी, कितना पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है कपिल? देखिए पुलिस का बहुत बड़ा जाप्ता तैनात है, ना सिर्फ उदयपुर का बल्कि आसपास के जिलों से पुलिस बल बुलाया गया था और जयपुर से 7 पुलिस की कंपनियां उदयपुर भेजी गई थी। आज जब अंतिम संस्कार देवराज का होना था तो बड़ी तादाद में पुलिस बल अंतिम यात्रा के दौरान मौजूद रहा। पुलिस सुरक्षा के बीच में अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया करेगी और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। जिस रूट से अंतिम यात्रा निकलनी थी वहां पर भी पुलिस के का भारी जाप्ता तैनात रहा, तो वहीं जो संवेदनशील इलाके हैं उदयपुर के वहां सभी जगह पर पुलिस के अधिकारियों सहित जाप्ता तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का उपद्रव फिर से ना हो, किसी तरह की अशांति उदयपुर में फिर से ना फैले। जी, और इसी का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से किया भी जा रही है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। परिजनों की तरफ से जो मांगे रखी गई थी कहीं ना कहीं उन्हें मांग लिया गया और यही वजह रही कि आज छात्र का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन समाज में आक्रोश है अभी और शायद यही वजह है कपिल कि प्रशासन ने यह फैसला किया कि नेटबंदी जो है वो लगाई जाएगी आज।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ बेहद दुखद घटनाक्रम रहा। सबसे पहले जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो बाल अपचारी था उसे निरुद्ध कर लिया गया और उसके बाद में एक सख्त संदेश देने की सरकार ने कोशिश की और आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। तो ये प्राथमिक कार्रवाई कानूनी स्तर पर की जानी थी जो कि जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई। उसके बाद में जब निधन की जानकारी सामने आई कल शाम को, ऐसे में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और संविदा पर तत्काल परिवार के एक सदस्य को नौकरी की घोषणा कर दी। ऐसे में सभी जो मांगे थी वो पूरी हो गई। एक और जानकारी निकलकर सामने आई कि जो मृतक देवराज है उसका परिवार किराए के घर पर रहता है, ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर भी उन्हें आवंटित किया जाएगा, ये भी आश्वासन जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिवारजनों को दिया गया है। तो सारी जो मांगे थी, जो सारी जरूरतें थी, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत करने की हो, सामाजिक रूप से मजबूत करने की हो, दो और महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना था और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाना था, इस पर भी सहमति बनी। तो जो सारी मांगे कानूनी स्तर पर थी, जो सारी मांगे सामाजिक स्तर पर थी और परिवार को आर्थिक रूप से और सुरक्षित रखने के लिहाज से जो जरूरी थी, वो सारी मांगे प्रशासन और पुलिस द्वारा मान ली गई। जी, माहौल वहां का कैसा है ये इस पे डिपेंड करता है कि जो प्रशासन ने उनकी मांगे मानी है उनको क्या ये मरहम की तरह काम करेंगी परिवार को जो इस वक्त आघात पहुंचा है देवराज की मौत से। कपिल, देखिए जो देवराज की मां थी उनका कहना था कि उन किसी भी तरह की सहायता उनके बेटे की भरपाई नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये वास्तविकता है कि उनके बेटे की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कानून अपना काम करता है, जिसने अपराध किया है उसे सजा दिलाना कानून का काम है। तो जो कानून की प्राथमिक जो कार्रवाइयां थी वो कानून द्वारा पूरी की गई, पुलिस द्वारा पूरी की गई। और जो क्योंकि एक परिवार का एक सदस्य चला गया था, महज 15 वर्षीय छात्र था, उसकी इस घटनाक्रम के मौत हो गई थी, तो सरकार ने इस परिवार के साथ अपने आप को खड़ा होना बताया और एक बड़ी आर्थिक सहायता, 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की और जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान आवंटित करने का भी आश्वासन दिलाया। तो निश्चित तौर पर ये जो शांति मकान से एक और खबर सामने निकल कर आई थी कपिल, कि आरोपी के घर को तो जमींदोज कर ही दिया गया था लेकिन आसपास के जो अवैध निर्माण थे उनको भी, उनके लिए भी नोटिस जो है वो जारी किया गया था, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली क्या आपको? बिल्कुल, देखिए जिला कलेक्टर से जो हमारी बात हुई थी उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्राथमिक तौर पर जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ के दौरान उनके बारे में जब छानबीन की गई तो उनके मकान के अवैध होने की जानकारी मिली थी। ऐसे में मौके पर स्थिति देखी तो वहां पर कुछ और मकान के अवैध होने की जानकारी मिली, नोटिस कई सारे मकानों को दिए गए लेकिन प्राथमिक कार्रवाई आरोपी के घर पर करना निश्चित किया गया और एक दिन पहले नोटिस दिया गया और एक दिन बाद में नोटिस का जो जवाब मिला उससे संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई कर दी गई और दो बुलडोजर ले जाकर सरकार के द्वारा उस मकान को जमींदोज कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया और उससे अपराधियों में एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई थी। जी, तो जिनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया उन पे किसी तरीके का आक्रोश तो देखने को नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि माहौल तो वहां पर भी सही रहे इसको लेकर के प्रशासन को देखरेख वहां पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए उन इलाकों में भी पुलिस का भारी जाप्ता तैनात है, हर गलियों में पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान की मौजूदगी है। अब जिन और जगह पे नोटिस दिए गए हैं उनके दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और यदि वो अवैध पाए जाते हैं तो आगे स्थानीय निकाय किस तरह की कार्रवाई उन पर करता है, कब करता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है, आरोपी के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और अपराधियों में एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जी, आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आरोपी के परिजनों की तरफ से क्या कुछ बयानबाजियां सामने आई, आपको अगर जानकारी मिली हो तो दर्शकों से साझा करिए कपिल। देखिए जो आरोपी के जो परिजन थे, क्योंकि आरोपी बाल अपचारी था, उसके परिवार के सदस्यों का कहना था कि पिता को पुलिस ने ऐसे ही गिरफ्तार कर दिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ तथ्य पुलिस को प्राथमिक जांच में ऐसे मिले हैं जिसमें जो परिवार के सदस्य उनका कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है, इसलिए पिता की गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि आरोपी बाल अपचारी था, ऐसे में उसे डिटेन किया गया, निरुद्ध किया गया और उसके बाद में उसे जो है वो बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब आगे जो उसकी जो कार्रवाई है बाल न्यायालय में चली जाएगी। तो आरोपी के जो परिवार के लोग हैं उनमें इस बात का आक्रोश
जरूर था कि घटनाक्रम घटित हो गया, बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया, लेकिन उसके बाद पिता को गिरफ्तार करना, उनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई करना, ये कार्रवाई जो स्थानीय निकाय द्वारा गलत रूप से की जा रही है। हालांकि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कपिल, जिसको मैं चाहती थी कि आप दर्शकों से इसकी जानकारी साझा करें, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो उसके बाद आरोपी के परिजनों की तरफ से यही दलील दी जाती है कि आरोपी को सजा जो है वो प्रशासन दे रहा है, अब हमारे निर्माण को जमींदोज क्यों किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन ये दलील देता हुआ कपिल नजर आ रहा है कि शायद उदयपुर में ये एक मिसाल बनकर के सामने आ जाए कि अब कोई अपराधी अगर ऐसा कृत्य करता है तो ऐसी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, और शायद यही वजह थी कि बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की गई। कपिल बिल्कुल, देखिए पहली बार उदयपुर में इस तरह की कार्रवाई हुई है जब किसी अपराधी के घर पर सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया गया, और यह निश्चित रूप से अपराधियों में एक संदेश देने की कोशिश है कि यदि कोई भी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ना सिर्फ उन्हें कानूनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी बल्कि सरकार ऐसे भी कदम उठाएगी जिससे वो आर्थिक रूप से भी परेशान हो और अपराध करने से पीछे हटे। तो एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि आरोपियों के परिवार वाले हमेशा से, क्योंकि वो आरोपी भी किसी के परिवार का सदस्य है, तो वो उसको बचाने के लिए जरूर जो है बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करती है, पूरे तथ्य इकट्ठे करने के साथ ही अब उदयपुर पुलिस का कहना है कि एक मजबूत फाइल बनाकर चालान पेश किया जाएगा और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाया जाएगा। हाँ, क्योंकि जानकारी ये थी ना कपिल की जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं वो आरोपी की फांसी की शायद मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही कल इस पूरे मामले में निधन की जानकारी सामने आई थी तो जो देवराज की माता थी, जो हॉस्पिटल में ही मौजूद थी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए, वो सिर्फ न्याय की मांग करती है, जो आरोपी हैं उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए तभी वो इस डेड बॉडी को हाथ लगाएगी। हालांकि उन्हें बाद में समझाया गया कि जो प्राथमिक कार्रवाइयां पुलिस की और सरकार के स्तर पर हो सकती है वो सारी कार्रवाइयां कर दी है, सजा दिलाना न्यायालय का काम है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इस मामले को सजा तक पहुंचाया जा सकता है और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, ये विश्वास आरोपी की पीड़ित जो मृतक है उसकी मां को दिलाया गया था। उसके बाद में वे सभी पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। उदयपुर जो उदयपुर वासी इस अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए हैं उन सभी की भी यही मांग है कि बाल अपचारी है, उसकी एज कम है, लेकिन इस एज को कंसिडर नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो हत्या की गई, ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई और इसीलिए उसकी उम्र को नजरअंदाज करते हुए कड़ी से कड़ी सजा तक आरोपी को पहुंचाना चाहिए और इसको इसके लिए पुलिस से लगातार मांग भी की जा रही है और आगे जांच में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और उसके बाद तस्वीरें और ज्यादा क्लियर होंगी कि क्या सजा जो है वो निर्धारित की जाएगी आरोपी के लिए। हालांकि अभी ये जांच का विषय है और जांच की जा रही है। कपिल, एक जानकारी आप और दीजिएगा कि कल जब मृत्यु की जानकारी मिली छात्र की, जब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद से लेकर के अभी तक की अगर हम बात करें तो प्रशासन का कोई आला अधिकारी पीड़ित परिवार को ढांढस बधाने के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा या सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा वहां पर? देखिए कल की स्थिति जो थी, राखी का त्योहार था, बिल्कुल देवराज की स्थिति स्टेबल बनी हुई थी। सबसे पहले उनकी बहन जो है वो जिला कलेक्टर की परमिशन के साथ में कुल चचेरी बहनें और एक सगी बहन, पांच बहनें आईसीयू में पहुंची और देवराज को राखी बांधी और उसके दीर्घायु की, उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। हालांकि बाद में नकारात्मक न्यूज सामने आई और जैसे ही निधन की ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हुआ और निधन की जानकारी सामने आई, उससे पहले ही जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होने लगा था, सारे बड़े अधिकारी जो वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, सभी जो उदयपुर के जनप्रतिनिधि हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उसके बाद में उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा और उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट भी हॉस्पिटल पहुंचे। देर रात तक ये सभी लोग हॉस्पिटल में डटे रहे और परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते रहे, उन्हें हर संभव आश्वासन दिया गया, उनको उनकी मदद के लिए सरकार द्वारा जो जो प्रयास किए जा रहे हैं उन सभी से उन्हें अवगत कराया गया और उसी के बाद में ये जो पूरा मामला है शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है। क्योंकि कल जब निधन की जानकारी आई थी उसके बाद में कुछ लोगों में अचानक से आक्रोश व्याप्त होने लगा था,
हॉस्पिटल के बाहर अचानक से पुलिस ने जो हॉस्पिटल के एंट्री के दोनों गेट है वहां पर बैरिकेड लगाकर आम आदमी की एंट्री बंद कर दी थी, केवल हॉस्पिटल में मरीजों की एंट्री दी जा रही थी। तो हॉस्पिटल के जो गेट है वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, नारेबाजी की जा रही थी और इस पूरे घटनाक्रम का विरोध जताया जा रहा था। तो स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन पुलिस के प्रयास जो है वो पहले से बेहतर थे। पुलिस ने लगातार हर इलाके में अपनी टीम को डिप्लॉय किया हुआ था और उनकी ये कोशिश थी कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जो देवराज है उनका अंतिम संस्कार की क्रिया करवाई जाए, और इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। जी, पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण हो गया था, शांति व्यवस्था वहां पर स्थापित की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से, और इस यही वजह थी कि बेहद शांति के साथ देवराज का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लेकिन एक और मांग जो है पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है, वो है सुरक्षा की, उसको लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये पहली मांग थी जो कि पीड़ित परिवार और परिवार के जो समाज है उनके द्वारा मांग की गई थी, और इस मांग पर सबसे पहले सहमति बनी, तुरंत प्रभाव से उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने इस बात पर सहमति दी कि जो पीड़ित परिवार है उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, किसी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो पहली मांग पूरी की गई वो यही मांग थी कि पीड़ित परिवार को स्थानीय पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा आगामी दिनों में मुहैया कराई जाएगी। दूसरी मांग जो थी वो इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाना था ताकि जल्दी न्याय मिल सके, उस पर भी तुरंत सहमति बनी थी। जी कपिल, उदयपुर में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आरोपी के घर पर इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई हो, आपको क्या लगता है कि समाज के जो लोग थे और जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनके चेहरे पर संतुष्टि की भावना दिखी इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि मांग इसकी की जा रही थी उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए देखिए जो आक्रोश पहले दिन देखने को मिला था, क्योंकि जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके कुछ ही समय बाद में बाल अपचारी को डिटेन कर लिया गया था और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कानूनी जो कार्रवाइयां इस घटनाक्रम के बाद होनी चाहिए थी वो कार्रवाई पुलिस द्वारा पूरी कर ली थी, और जो देवराज था उसका हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टरों के साथ में इलाज चल रहा था, राज्य सरकार ने विशेष विमान से डॉक्टर्स का एक दल जयपुर सभी ने की थी कपिल की देवराज की जान बच जाए, लेकिन नहीं बचाई जा सकी देवराज की जान, और यही वजह है कि समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया था, लेकिन प्रशासन की यह बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि स्थितियां अभी कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।